नमस्कार, दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम किसान भाइयों को एक उत्तम तकनीकी की जानकारी देंगे, जिससे कि वो अपनी फसल को कीटों और रोगों से बचा सकते हैं और फसल में अनेक पोषक तत्वों की पूर्ति भी उस विधि से कर सकते हैं। हमारा विषय है दलहनी फसलों की बीजोपचार तकनीकी, जिससे कि किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके। हम उस विधि के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने किसान बंधुओं से कहना चाहूँ, यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को आप दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। इससे आपको समय समय पर कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, जिसमें आप अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और कृषि की आधुनिक तकनीकियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में उपलब्ध जानकारी अच्छी लगे, आप संतुष्ट हैं, तो हमारा वीडियो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए बात करते हैं दलहनी फसलों की बीजोपचार तकनीकी। किसान भाइयों, भारत में चना, अरहर, मसूर, मूंग, उड़द, मटर और राजमा प्रमुख दलहनी फसलें हैं। ये रबी, खरीफ तथा जायद मौसम में विभिन्न फसल पद्धतियों के अंतर्गत उगाई जाती है। चना, मटर, राजमा और मसूर रबी में और अरहर, उड़द और मूंग खरीफ यानी बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण दलहनी फसलें हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में मूंग और उड़द की गर्मियों में भी अधिक मात्रा में फसल ली जाती है। दलहनी फसलों में अनेक मिट्टी जनित रोगों का प्रकोप होता है, जो फसल की बुआई के पश्चात बीजों और पौधों की जड़ों को संक्रमित करते हैं। इन फसलों में बीज के जमाव के बाद पौध अवस्था में भी कई प्रकार के रोग और कीट, जैसे कि बीज गलन, आदर जड़ गलन, शुष्क जड़ गलन, कटुआ, दीमक और रस चूसक कीट आदि अनुकूल वातावरण मिलने पर क्षति पहुंचा सकते हैं, जिससे खेतों में पौधों की संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दलहनी फसलों के बीजों के अच्छे अंकुरण और विभिन्न रोग एवं कीटों से बचाव के लिए बुआई के पूर्व बीजोपचार की संतुति की जाती है। बीजोपचार से फसल की बढ़वार और उत्पादकता में वृद्धि पाई गई है। यद्यपि दलहनी फसलों में इन बीमारियों और कीड़ों की रोकथाम हेतु अवरोधी किस्मों का प्रयोग सर्वोत्तम उपाय है, पर सभी रोग और कीटों की अवरोधी किस्में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में विभिन्न रसायन एवं जैव उत्पादों से बीजोपचार की संतुति की जाती है। इस वीडियो में आप उस विधि को जानेंगे, जिससे कि आप अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं अपनी दलहनी फसलों से बीजोपचार द्वारा, और पोषक तत्वों की भी कुछ हद तक आप मात्रा पर्याप्त रूप से अपनी फसल को दे सकते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत किसान भाइयों, सबसे पहले आता है बीजोपचार के प्रमुख घटक कौन कौन से। नंबर एक है कवकनाशी रसायनों द्वारा बीजोपचार, नंबर दो है कीटनाशी रसायनों द्वारा बीजोपचार, और नंबर तीन है जैविक उत्पादों द्वारा बीज उपचार। अब कवकनाशी, कीटनाशी एवं जैव उत्पादों जैसे ट्राइकोडर्मा, स्यूडोनोनास और राइजोबियम कल्चर द्वारा बीजोपचार से फसल को उपयुक्त लाभ देने के लिए यह आवश्यक है कि इनका प्रयोग सही क्रम तथा सही समय अंतराल से किया जाए। बीजोपचार के सभी घटकों के सही प्रयोग और क्रम को FIB के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है F यानी कवकनाशी, I जिसे कीटनाशी और B यानी कि जैव उत्पाद द्वारा। ये एक बीजोपचार की सही प्रक्रिया है। कवकनाशी रसायनों द्वारा बीजोपचार किसान भाई कैसे करें? दलहनी फसलों में बुआई के पूर्व कवकनाशी रसायनों द्वारा बीजोपचार रोग प्रबंधन का एक प्रभावी और सस्ता उपाय। अरहर, चना, मसूर और अन्य दलहनी फसलों में लगने वाले उकठा रोग एवं अन्य बीज जनित तथा जड़ गलन रोगों को के प्रभावी प्रबंधन के लिए बुआई के पूर्व बीजों को कवकनाशी रसायनों द्वारा जैसे कार्बेंडेजम 1 ग्राम प्लस थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए, जिससे कुछ हद तक इन उकठा रोग और अन्य बीज जनित रोगों पर नियंत्रण हो जाता है।
उसके बाद किसान भाइयों है कीटनाशी रसायन द्वारा बीज उपचार। दलहनी फसलों में विभिन्न रस चूसक कीटों जैसे एफिड, थीरप, जैसिड, सफेद मक्खी आदि का प्रकोप बहुआयात में होता है, जिनके प्रबंधन के लिए बीजों को कीटनाशी जैसे इमिडाक्लोरोपीड 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने की संतुष्टि की जाती है दलहनी फसलों के लिए। उसके बाद किसान भाइयों सबसे महत्वपूर्ण जैविक उत्पादों द्वारा बीजों उपचार। जैविक उत्पाद पौधों में रोगों और कीटों को रोकने के साथ साथ पौधों के अच्छे बढ़वार में भी सहायक होते हैं। मिट्टी में उपस्थित अनेक प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जैसे ट्राइकोडर्मा आर्जीएनम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा वायरेंस और स्यूडोमोनास लूरेंस और फ्यूडोमोनास अवरिजोनोस और वेसिलिस प्रजाति और राइजोबियम। इसके साथ दलहनी फसलों में बुआई से पूर्व बीजोपचार की संपूर्ति की जाती है। ट्राइकोडर्मा तथा राइजोबियम की विभिन्न प्रजातियों का प्रयोग बहुआयात में हो रहा है। यह लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु रोग कारकों की संख्या और व्याधि उत्पन्न करने की क्षमता को घटाकर उन्हें नष्ट करते हैं। बीजोपचार में प्रयुक्त सूक्ष्म जीवाणु अंकुरित हो रहे बीज तथा वृद्धि कर रहे पौधों की जड़ों के समीप अपने को स्थापित करके वृद्धि एवं विकास कर भोजन के लिए रोग और कीट कारकों से सफलता करते हैं, प्रतिकूल प्रभाव भी डालते हैं, यानी कि अपने द्वारा उत्पन्न विषैले पदार्थ एंटीबायोटिक के द्वारा उनका विनाश करते हैं। इस प्रकार से ये जीवाणु पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाकर पौधों की वृद्धि और उनसे रोग प्रतिरोधी क्षमता के विकास में भी सहायक होते हैं, यानी जो पौधों के लिए हानिकारक कीट जीवाणु है उनको ये खत्म करते हैं। जैविक उत्पादों से बीज उपचार के लाभ क्या है, क्या विशेष लाभ है किसान भाइयों? रोगों की रोकथाम के लिए बीजोपचार में ट्राइकोडर्मा नामक जैविक नियंत्रण की बहुत कम मात्रा 4 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से आवश्यकता होती है। इसका उत्पादन, परिवहन, भंडारण और प्रयोग काफी सस्ता है तथा आसान भी होता है। यह खेत में उपस्थित सड़ाने गलाने वाले फफूंद से फसल को बचाव करता है, जिससे बीज का जमाव अच्छा होता है। यह बीज और मिट्टी जनित रोग कारकों जैसे पिरोजियम, राइजोटोनिया, अल्टरनेरिया और एस्कोकाइटा और बोट्राइटिस आदि से फसल की रक्षा करता है एवं जमाव के उपरांत जड़ों को मिट्टी से उत्पन्न होने वाले रोग कारकों से सुरक्षा प्रदान करता है। इससे पौधों की बेहतर वृद्धि होती है और समर्थित भी अधिक होता है। उसके बाद किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा एक प्रभावी जैव नियंत्रण है। कैसे? ट्राइकोडर्मा एक कवक आधारित जैविक नियंत्रण है। यह पौधों की उत्तम अंकुरण और वृद्धि के साथ साथ पौधों के मिट्टी जनित रोग जैसे उठा एवं जड़ विगलन आदि का प्रभावी नियंत्रण करता है। फसल की बुआई के कुछ दिन पश्चात देखा जाता है कि जड़ विगलन के कारण पौधे पीले होकर मुरझाकर सूख जाते हैं। इसी तरह पुष्प हुआ कलिकाएं बनते समय उठा ग्रसित पौधा मुरझाकर सूख जाता है। ट्राइकोडर्मा इन रोगों के प्रबंधन में काफी उपयोगी पाया गया है। उसके बाद किसान भाइयों है राइजोबियम एक जैव पौध वृद्धि कारक। दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु के सहजीवी प्रक्रिया द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम होने के विशिष्ट गुण युक्त होती है। ये जीवाणु जड़ों को प्रकोपित कर उनके अंदर ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। इन ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु की सक्रियता से वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है, जिससे कि अधिकतर नाइट्रोजन का प्रयोग पौधों द्वारा ही कर लिया जाता है और बची हुई नाइट्रोजन अवशेष रूप में मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, जिससे अगली फसल लाभान्वित होती है। प्रायः दलहनी फसल उगाने से अगली फसल के लिए औसतन 30 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन समतुल्य प्रति हेक्टेयर उपलब्ध होती है आपकी मिट्टी में। नाइट्रोजन स्थितिकरण मिट्टी में प्रभावी राइजोबियम जीवाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। राइजोबियम कल्चर के प्रयोग से मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे नाइट्रोजन स्थितीकरण में भी वृद्धि होती है। अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर और मटर में प्रभावी राइजोबियम कल्चर द्वारा बीजोपचार से फसल उत्पादन में
10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई है। उसके बाद है किसान भाइयों प्रयोग की विधि, कैसे प्रयोग करें आप इनको। नंबर एक, उपचारित करने के लिए प्लास्टिक या लोहे के बड़े टब या ड्रम में रखे बीजों पर कवकनाशी या कीटनाशी की आवश्यक मात्रा छिड़ककर आंखों से अच्छी तरह से मिला लें, या बीज और रसायन की आवश्यक मात्रा को पॉलिथीन बैग में रखकर बैग को हिलाकर बीजों को उपचारित कर लें। बीज को उपचारित करके थोड़ी देर छाया में सुखाकर ही बोना चाहिए। नंबर दो, सामान्य बीज शोधन के लिए 250 ग्राम गुड़ या फिर सीरा के घोल का प्रयोग करना सर्वोत्तम रहता है। इस प्रक्रिया में घोल को गर्म करना और उसे ठंडा करना, इसमें 4 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से जैव नियंत्रण मिलाकर गड्ढे घोल से बीज पर लेप लगाना और बीज को छाया में सुखाना मुख्य क्रिया समाहित है। नंबर तीन, राइजोबियम द्वारा बीजोपचार के लिए 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर प्रति 10 किलोग्राम बीज की दर से प्रयोग की संकुति की जाती है। बीजोपचार के लिए 50 ग्राम गुड़ या चीनी को आधा लीटर पानी के घोल में उबालकर ठंडा होने पर 250 ग्राम राइजोबियम मिला दें। बाल्टी में 10 किलोग्राम बीज डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि सभी बीज पर कल्चर का लेप चिपक जाए। उपचारित बीजों को 4 से 5 घंटे तक छाया में फैला दें और जिससे कि वो सूख जाए और उसके बाद आप उसकी बुआई कर सकते हैं। नंबर चार, ध्यान रहे कि राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने से 2 से 3 दिन पहले ही कवकनाशी या कीटनाशी से बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। यानी आप इन जैव उत्पादों से अगर अपने बीज को उपचारित कर रहे हैं तो आप कीटनाशी से 2 से 3 दिन पहले बीज को उपचारित करें, उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद आप राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित कर सकते हैं। नंबर पांच, बुआई की अनिश्चितता हो तो बीजोपचार सूखे पाउडर से भी किया जा सकता है। अब किसान भाइयों बात आती है कुछ सावधानियां, बीज उपचारित करते समय क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, वो इस प्रकार है। प्रयुक्त घटक की संतुलित मात्रा का ध्यान रखना चाहिए, यानी आपको जो मात्रा होती है वो पूर्ण देनी चाहिए। नंबर दो, बीजोपचार करते समय हाथ में दस्ताने पहनने चाहिए। नंबर तीन, बीजोपचार के बाद बीजों को छाया में ही सुखाना चाहिए। नंबर चार, एक ही साथ कई दवाओं से बीजोपचार नहीं करना चाहिए आपको। नंबर पांच, बीजोपचार करते समय ट्राइकोडर्मा के साथ अन्य कीटनाशी या कवकनाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वे जैव उत्पाद है। नंबर छह, उपचारित बीज को पशुओं और मनुष्य के संपर्क से दूर रखना चाहिए। अब बीजोपचार का दलहनी फसल पर प्रभाव क्या पड़ता है उसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। नंबर एक, बीज के उत्तम अंकुरण में सहायक है। नंबर दो, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाकर पौधों की वृद्धि और उनमें रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास करना। नंबर तीन, खेत में रोग कारकों की संख्या एवं उनके फैलाव को सीमित करना। नंबर चार, संक्रमित फसल अवशेषों से रोग कारकों को दूर रखना। और नंबर पांच, रोग बीजाणु के अंकुरण और विकास का दमन करना। नंबर छह है रोगों पर एक साथ प्रभावी होना। और नंबर सात है मिट्टी में उपचारित लाभकारी जीवाणु को नष्ट नहीं करता है। नंबर आठ, अगली फसल पर भी लाभकारी प्रभाव। नंबर नौ, पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। और नंबर दस, कम लागत में अधिक लाभ देना इसकी प्रमुखता है। तो इस दलहनी फसलों के बीज उपचार की जानकारी में इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारा वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और यदि आपको वीडियो में कोई परेशानी होती है तो आप हमारी वेबसाइट dainikjagriti.com पे आके भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं सूक्ष्मता से, और जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको कृषि से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगे जिसमें आप अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।